हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि भाई स्कोडा काइलैक आखिर किसे खरीदनी चाहिए। देखो इस सेगमेंट में ना बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ पे बहुत सारी कार्स है और सारी की सारी कार्स अपने आप में ही धुरंधर है। तो रादर देन हम ये पता करें कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, हम ये पता कर लेते हैं कि स्कोडा काइलैक आखिर में किसके लिए है। इनफैक्ट यार इसके काफी ईमेल्स काफी कमेंट्स हमें आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड है पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए हैं, तो डेफिनेटली हम सारे आज कवर करेंगे। सो यार देखो मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल में जो स्कोडा ने भी इस कार को लॉन्च करा है जो प्राइमरी फोकस उनका ये रहेगा कि कुछ ऐसे लोग जो कुशाक लेना चाह रहे थे, एक्चुअली में टाइगुन कुशाक दोनों में कंफ्यूज थे पर उनको कहीं ना कहीं वो VFM नहीं लग रही थी, तो डेफिनेटली भाई उन लोगों को ये कार ले लेनी चाहिए, आंख बंद करके ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। दूसरा, अब अगर किसी ने ऑलरेडी Volkswagen की या स्कोडा की कोई भी कार ले रखी है, ठीक है, उनको एक सेकेंड कार चाहिए तो डेफिनेटली उनको भी आंख बंद करके ये कार ले लेनी चाहिए। उसमें क्या है ना, आपका जो इंजन एक्सपीरियंस है या फिर जो सेफ्टी एक्सपीरियंस, जो एक ब्रांड वैल्यू एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होता है, वो सब कुछ सेम रहेगा और आपको मतलब एक बढ़िया कार मिल जाएगी कम पैसों। तीसरा, जो लोग ऑलरेडी लेना चाहते थे पोलो, जिनकी पोलो नहीं आ पाई, उनकी जो कुछ आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं दफन हो गई कि भाई पोलो ऐसी भी आई ही नहीं, तो वो लोग भी डेफिनेटली काइलैक ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पोलो लेना चाहते थे तो आपको पता ही होगा कि VW कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इनके चार्जेस एंड ऑल होते हैं सर्विस वगैरह सबके, तो आपके लिए भी डेफिनेटली काइलैक है, आग बंद करके उठा लीजिए। हालांकि अगर आप Volkswagen टायरा के लिए रुकना चाहें, क्योंकि टायरा जो है थोड़ी सी आपको ज्यादा याद दिलाएगी या क्लोजर फील कराएगी पोलो के, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि किसी भाई के पास ऑलरेडी एक कार है जो एक बड़ी कार है, यानी कि ऑलरेडी आपके पास थार रॉक्स है, XUV700 है, BMW है, ऑडी है, व्हाटसोएवर, एक आपको छोटी कार चाहिए बट आप एक प्रीमियम फील रखना चाहते हो, आप अपने एक ब्रांड रेपुटेशन भी मेंटेन रखना चाहते हो, तो उस केस में भी काइलैक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, आपकी सैलरी काफी अच्छी है, आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, अरे भी आपका इतना बजट नहीं हुआ है कि आप बहुत प्रीमियम कार ले पाओ, बट आपको प्रीमियम कार ही चाहिए, यू वांट टू रिटेन द ब्रांड वैल्यू, आपको मजेदार मतलब एक अच्छा फील चाहिए, आपको ओवरऑल जो कंफर्ट चाहिए, वाइब चाहिए, तो आपको BMW ऑडी वाली ही चाहिए, तो डेफिनेटली स्कोडा काइलैक इज द थिंग फॉर यू, जस्ट गो फॉर इट। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप कोई भी टर्बो कार लेने की प्लानिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रॉन्क्स टर्बो लेना चाह रहे थे क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, सोनेट टर्बो लेना चाह रहे थे उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, इनफैक्ट वेन्यू टर्बो अगर आप लेना चाह रहे थे उसमें भी एक्स्ट्रा पे ही करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको कम पैसों में बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के ही टर्बो इंजन मिल रहा है भाई, तो जो पैसा वहाँ आप एक्स्ट्रा लगा रहे थे वो बचा लो, तो एक जो माइंड में मिथ रहता है कि VW के पार्ट महंगे है व्हाटसोएवर ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहां पर वो पैसा थोड़ा होल्ड कर लो, FDI करा लो, तो भी आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बात भी कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये खरीदना एक गलत चॉइस हो सकती है, और ऐसी गलत चॉइस हो जाएगी बहुत परेशान हो जाओगे, खासकर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, क्योंकि हमारे देश में 90% लोग भाई मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या करते हैं, वो 30-40% डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद जो है वो बाकी लोन करा लेते हैं। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो मतलब 10-12% पेमेंट करते हैं, 15% बाकी लोन करा लेते हैं, तो ऐसा मत करा। एक बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ये लगेगा कि EMI तो कम पड़ रही है, EMI तो 12 की है, पर आपका टेन्योर बढ़ जाता है मेरे भाई, यानी कि जो आपकी चीज आपको मतलब कम पैसों में मिलनी चाहिए उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लोन करवाते समय आप पूछिए कि अगर आप मेरी 10,000 की EMI कर रहे हो तो टोटल पैसा मेरा कितना जाएगा अंत में। कई बार हम रियलाइज नहीं करते 5 लाख का लोन भाई 7-7.5 लाख तक भी पहुंच जाता है। सो छोटी EMI के चक्कर में मत भागिए, पूरी कैलकुलेशन समझिए उसके बाद ही करवाना। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो भाई लोन करवा रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और उसके बाद आप जो है अपनी कार प्लान कर रहे हो और आपने काफी समय पैसा जोड़ा है अपनी कार, एक जो यू नो फर्स्ट कार होती है फैमिली की, बहुत मेहनत की कमाई वाली, यार आपने 2-3 लाख रुपए जोड़े, आपने ऑलरेडी 3-4 साल वेट करा, ऐसे सिनारियोज में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्कोडा खरीदिए। आई विल सिंपली रेकमेंड यू कि भाई आप मारुति की कार खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ना काफी सारी चीजें हैं, आपको लोग ये कहते मिलेंगे कि इसके सर्विस पैक आते हैं, वारंटी पैक आते हैं, उसको लेने के बाद इक्विवेलेंट पड़ जाता है। टोटली अग्री विद इट, ये होता है, बट अगर आप इस सिनारियो से आ रहे हो कि आपने कई साल पैसा जोड़ा, बहुत ही ज्यादा मतलब दिन रात एक करके आपने मेहनत करके जो पैसे हैं उससे आप कार ले रहे हो और अभी आप इतना अर्न नहीं करते कि कल को कार में कुछ जबरदस्त एक्सपेंस आ रहा है, तो उस केस में आई विल नॉट रेकमेंड यू, दैट्स माय फाइनल वर्डिक्ट हियर अगर आप इस सिनारियो में आते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई इस तरीके के शख्स हो कि मैंने कार खरीद ली, अब मैं एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा कुछ अपनी कार पे नहीं लगाने के लिए तैयार हूँ, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो आप चाहते हो कि कम से कम पैसों में भाई बिना सर दर्द के आपकी कार जो है फटाफट रिपेयर हो जाए, इजीली पार्ट्स मिल जाए, सब कुछ बढ़िया हो, सस्ते सस्ते में काम हो, उस केस में स्कोडा आपके लिए नहीं है। देखो स्कोडा का क्या है ना, बहुत अच्छी सर्विस है, इतनी जल्दी कार खराब नहीं होती है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, बहुत लंबे चलते हैं इसके पार्ट्स वगैरह, पर प्रॉब्लम ये है कि जब खराब होना शुरू होता है ना
तो मतलब जिस तरीके से खराब होता है ना, 1, 2, 3, 4 और जो उसके एक्सपेंस की कॉस्ट आती है वो पॉकेट में कई बार भारी पड़ जाती है। और प्रॉब्लम यहीं से तो शुरू होती है। उस टाइम पे क्या होता है ना, तब तक आपके जो कार की जो ड्यूरेशन होती है, जो टेन्योर होता है कार का, वो इन वारंटी पैक्स के लिए एलिजिबल रह नहीं जाती है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या वो पैसा लगाओ, वो पार्ट को चेंज कराओ। मैंने अपनी पोलो में सस्पेंशन का काम करवाया था, मुझे आज भी याद है भाई। मुझे लगता है मेरा शायद 45 या 48 हज़ार रुपए के आसपास का बिल बना था, जिसके अंदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं था वो, उसमें भी उन्होंने कुछ पार्ट्स को ही चेंज करा था सस्पेंशन के मेरे। अब हालांकि मुझे पता है कि स्कोडा अब जो है इंडिया में सोर्सिंग कर रहा है और यहीं के ही मतलब लोकलाइज हो रहा है सब कुछ, पर उसके बाद भी मैं ये नहीं मानता कि वो सीधा आधा हो जाएगा। इट विल डेफिनेटली रिड्यूस, पर ऐसा नहीं होगा कि वो मारुति टाटा के लेवल पे पहुंच जाएगा, यू नो। सो आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, आप अपनी फर्स्ट कार प्लान कर रहे हो, इवन तो आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हिसाब किताब है बढ़िया है, बट अभी आपने नई नई ड्राइविंग सीखी है और आपकी ऐसे कोई विचारधारा भी नहीं है कि कल को आप बहुत कार भगाने में बिलीव करते हो, यू आर जस्ट अ फैमिली गाय, या फिर आप भाई मतलब मैनेज कर सकते हो, ज्यादा नहीं भगाना चाहते। स्पेशली जो टर्बो कार्स होती हैं और जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सही नहीं होता है, क्योंकि टर्बो कार ना बहुत जल्दी पिकअप ले लेती है टाइम पे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं भाई VW के स्कोडा वाले इंजनों की, तो भाई इनके केस में तो ये और फास्टर पिकअप पकड़ती है। तो कई बार ना जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो थोड़े से नर्वस और अनस्टेबल हो जाते हैं, मैंने कई बार नोटिस करा है। कुछ लोग संभाल लेते हैं, कुछ लोग इस जर्नी में ना फंस से जाते हैं। सो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, आपको लगता है कि आप एक प्योर ड्राइव एंथुसियास्ट बनोगे, आप बिल्कुल मतलब भगाने दौड़ाने के साथ वाले हो, तो डेफिनेटली आप स्कोडा कैडिलैक की तरफ जाओ। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि कोई खासा नीड नहीं है टर्बो इंजन की तरफ जाने की, आप कोई और भी ऑप्शन देख सकते हो। अब यहाँ पे ना मैं कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दूंगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप देखिए कोई ड्राइविंग कैसे, कितना टाइम हुआ है आपको सीखे हुए। हाँ डेफिनेटली कार सेफ है, कार सिक्योर है, बट अदर देन दैट अगर हम खुद भी इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा ड्राइविंग एक लेवल होता है वो कैसा है। जैसे मेरे चैनल में ना कई कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे डिमांड्स करते हैं कि हैचबैक में भी एडैस लाओ, 4 मीटर में भी एडैस लाओ, यानी कि जो आपकी वेन्यू साइज कार है इसमें भी एडैस लेके आओ। देखो एडैस जरूरी है, मैं समझता हूँ, पर अगर आप आज से कुछ समय पहले जाओगे ना, तो तब ना 360 कैमरा था, ना ही एडैस था। तब भी भाई हमारे दादा परदादा ये सारे लोग जो हैं, ठीक है, हमारे पापा लोग जो हैं, कार ड्राइव कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करते थे। अगर आपका प्राइमरी फोकस यही है ना कि भाई अगर कार में डैश नहीं है, 360 कैमरा नहीं है और आप बहुत नर्वस होते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा पहले आप ना कार सीखिए। डोंट रश टू बाय अ कार, कोई जरूरी नहीं है कार खरीदना। आप ड्राइविंग स्कूल लगा के रखो यार, चलाते रहो एक साल कार, जब तक आपको ये ना लगे ना कि ये जो ड्राइविंग स्कूल वाली कार है मुझे हल्की लग रही है भगाने में, यू डोंट हैव टू बाय अ कैब, कर लो यार कैब से यूज कर लो। देखो यार मेरे ओपिनियन में हैचबैक अगर आपको संभालने के लिए डैश चाहिए, या फिर आपको पंच जैसी कार भी संभालने के लिए एडैस चाहिए विच इज नॉट सो लेंथी, तो देखो कहीं ना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए भी है और आपके साथ चल रहे लोगों के लिए भी है। इस साइज की कार्स में एडैस 360 के बिना कार ना चला पाना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पे ड्राइविंग स्किल्स अगर आप इंप्रूव करते हो तो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो मुझे लगता है आप रियलाइज कर रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कार मत खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, बट स्टिल थिंक अबाउट माय ओपिनियन, मैंने आपको क्या सलाह दी है वो डेफिनेटली आपके लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, आपके साथ चल रहे लोगों के लिए, सबके लिए यूजफुल है। अंत में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या स्कोडा महंगी पड़ती है बाकी कारों से? हाँ यार पड़ती है, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ, ऑफिशियली कह रहा हूँ, महंगी पड़ेगी आपको। अगर आप 7 दिन के वारंटी पैक्स, सर्विस पैक्स एक्स्ट्रा पे करके ले लेते हो, तो शुरुआती 3-4 साल में आपको कॉस्ट नॉर्मल पड़ेगी बाकी कार्स की तरह। और लॉन्गर रनिंग पे अगर आप देखते हो, अगर आप कार रखने की प्लानिंग कर रहे हो 10 साल अपने पास, 7 साल 8 साल, तो वहाँ पे डेफिनेटली जब बाद में कभी नीड होगी तो एक बार में ऐसा बिल खड़ा हो जाएगा, तब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार शायद थोड़ा सा डिसीजन जो है जल्दबाजी कर भी लेंगे। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, आपको जो कार लेनी है वो कार लीजिए भाई, आपके पैसे आपकी मर्जी है। हम तो कंटेंट बनाते हैं उन भाइयों के लिए जो एक्चुअली में क्वेश्चंस करते हैं, जो चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प कर पाएं। सो दैट वाज माय टेक। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।